नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। रोशनी का पर्व दीपावली की तैयारी में एक तरफ जहां पूरा देश जुटा हुआ है, वहीं हम आपको उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां गलियां, चौराहे, घर सब कुछ रोशन नज़र आ रहा है। हम आपको एक ऐसी सड़क का नज़ारा दिखाते हैं जो आपको बेहद बदली नज़र आएगी। जी हाँ, यह सीपरी बाज़ार से शहर की ओर जाने वाली सड़क है, जहां बीच में बीकेडी चौराहा पड़ता है और वहाँ के ताल। इस मार्ग पर जब आप कलेक्ट्रेट कमिश्नरी की ओर थोड़ा आगे आएंगे तो यहां जो दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं खूबसूरत रंगीन नज़ारा, दरअसल यह वर्टिकल गार्डन है। जी हाँ, जो झांसी में बीते दिनों नगर निगम के द्वारा पूरे शहर में लगाए गए हैं, और यह वर्टिकल गार्डन इस समय दीपावली के समय, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि रोशन किए गए हैं। इसमें लाइटिंग की जो व्यवस्था की गई है वह बेहद खूबसूरत है। पल पल बदलती लाइटें इस वर्टिकल गार्डन की खूबसूरती को बहुत रोशन कर रही हैं, और यह वर्टिकल गार्डन जहाँ जहाँ जिस जिस चौराहे पर लगे हैं वहाँ यह खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दीपावली के पर्व पर ऐसी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं। आप अगर किसी भी बिल्डिंग को देखेंगे इस मार्ग पर तो वो आपको रंग बिरंगी रोशनी से नहाई नज़र आएगी। हम आपको बीकेडी के मुख्य चौराहे का नज़ारा दिखाते हैं, जहां आप देखेंगे ये मुख्य चौराहा है जहां चारों तरफ लाइटों से रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है। हम आपको इस चौराहे का एक और खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे, उसके पहले हम आपको आतिया ताल की ओर लेकर चलते हैं, जहां अब तालाब का तो सुंदरीकरण फिलहाल अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तालाब के दोनों तरफ किस प्रकार का नज़ारा है ये हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप बीकेडी चौराहे को देखिए, जहां आर्टिकल गार्डन से लेकर जो बिल्डिंग है आसपास की वह कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। हालांकि सड़क थोड़ी सी ख़राब है जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेकिन चौराहा जगमग है, और यह अकेला बीकेडी का चौराहा नहीं, झांसी के सभी चौराहे और गलियां इस समय रंग रोशन नज़र आ रही हैं। यह आतिया ताल है जहां हम आपको बता रहे थे कि ताल में सुंदरता का काम चल रहा है, लेकिन इस समय जो आसपास की बिल्डिंग है वह बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और अब ताल के पूरे लाइन पर आप देखेंगे रोशनी की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, यहाँ पर जो सड़क किनारे पहले अंधेरा हुआ करता था वो फिलहाल आप दूर हो गया है, और दीपावली के पर्व पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा महानगर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। यह खूबसूरत नज़ारा भले ही आतिया ताल के सुंदरीकरण को पूरा ना करता हो, लेकिन उसके लिए एक प्रयास की झलक जरूर दिखाता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपको बीकेडी चौराहे पर ही नहीं, जो झांसी के पूरे चौराहे हैं इन चौराहे पर प्रशासन की ओर से दीपावली पर किस प्रकार की चित्रकारी कराई गई है उसका हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। और उस नज़ारे के लिए हम आपको एक बार फिर से बीकेडी चौराहे की ओर लेकर चलेंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे कि सड़क पर किस प्रकार से खूबसूरत नक्काशी की गई है। और यह नज़ारा जैसा कि मैं आपको वर्टिकल गार्डन का दिखा रहा था, वो वर्टिकल गार्डन का नज़ारा रहा है जो आपको हर पल खूबसूरती का एहसास कराएगा। जो वर्टिकल गार्डन महानगरों में लगाए जाते हैं, यहाँ पर पौधे विभिन्न प्रकार के लगाए जाते हैं, इन पौधों को जो खूबसूरत लाइटिंग दी गई है वो बहुत मनमोहक है। उसने पूरी तरह से नगर को एक महानगर स्मार्ट सिटी का जो झलक है वो दिखा दी है। पल पल बदलती लाइटों की रोशनी यदि आप इस मार्ग पर आएँ तो देखेंगे तो आपको भी मन में बहुत जिज्ञासा होगी कि इसे निहारते रहें, क्योंकि लाइटिंग बेहद खूबसूरत है, और ऐसी लाइटिंग देखकर दीपावली के समय मन प्रसन्न हो जाता है। और इसी बदलाव को बीकेडी चौराहे पर आप दीपावली के समय इस रूप में भी देख सकते हैं, जहां सड़क पर कितने खूबसूरत तरीके से जो नक्काशी की गई है, कलाकार झांसी के जो चित्रकार हैं उनके द्वारा
यह चित्रकारी की गई है और यह चित्रकारी हम आपको जैसा कि बता रहे हैं अकेले बिकड़ी चौराहे पर नहीं, चित्रा चौराहे, इलाइट और अन्य चौराहों पर भी यह खूबसूरत आप चित्रकारी देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं चित्रकारी। दरअसल यह मनमोहक है और मन को बेहद ही लुभावनी लगती है। तो फिलहाल आपको हमने यह झांसी की खूबसूरत पेशकश दिखाई, आपको यह कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।